दोस्तों फर्स्ट सेटअप करना है मोबाइल के पर्सनल हॉटस्पॉट को। इसके लिए सेटिंग्स ओपन करने के बाद अदर वायरलेस कनेक्शन को ओपन करना है और यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट को ओपन करके इसका सेटिंग्स में जो सिक्योरिटी और रैंडम पासवर्ड है सिर्फ उसे ही चेंज करना है। सिक्योरिटी को नन करेंगे तो अच्छा है, और अगर पासवर्ड देना है तो सिक्योरिटी सेम रख के सिर्फ पासवर्ड सेट कर दीजिए। और पासवर्ड को अब याद रखिए क्योंकि यही पासवर्ड आपको टीवी सेटिंग के टाइम पे लगेगा। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी नन रखूँगा क्योंकि यही सबसे ईजिएस्ट वे है। और यहाँ यहीं से हम पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऑन करके बैक करके होम स्क्रीन में चले जाएंगे। दोस्तों अभी टीवी ऑन करने के बाद रिमोट ले लीजिए और रिमोट के बीच में है होम बटन, उसे प्रेस करने के बाद काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेटवर्क सेटअप में जाइए और इसको प्रेस करने के बाद सेटअप नेटवर्क कनेक्शन को ओके कीजिए। यहाँ पे इजी और एक्सपर्ट मोड है, एक्सपर्ट मोड को ओके करिए और वायरलेस सेटअप को ऑन कीजिए और स्कैन कीजिए। इसके साथ साथ आपके एरिया में जो वाईफाई नेटवर्क है उसे शो करेगा। यहाँ पे मेरा जो है एस्टेक गाइड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ये दिखा रहा है और नीचे ट्रेड सेंटर ये लॉक किया हुआ है। यहाँ पे एस्टेक गाइड को ऑन करने के बाद ऑटो और मैनुअल ऑप्शन है, हम ऑटोमेटिक करेंगे और साथ ही साथ ये टीवी हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और आपके मोबाइल पे इंटरनेट ऑन कर दीजिए, आप इंटरनेट यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए टीवी में अभी कुछ ऐप्स नहीं हैं, अभी कुछ देर बाद तुरंत टीवी में बहुत सारा ऐप्स आ जाएगा। ऐप्स भी आ गया आपका इंटरनेट ऑन होने के बाद, और यहीं से आप YouTube भी ओपन करके आप YouTube को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।